नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आगरा यूनिवर्सिटी से MSc करने वाले स्टूडेंटों का रिजल्ट जारी हो गया है। जो भी स्टूडेंट आगरा यूनिवर्सिटी से MSc कर रहे हैं, फाइनल ईयर और फर्स्ट ईयर, उनका रिजल्ट जारी हो गया है। कुछ स्टूडेंट के में MW लिखा आ रहा है, जो स्टार्टिंग से चला आ रहा है BA, BSc, BCom, MCom के रिजल्ट में ही। MW का मतलब होता है मार्क्स वेटिंग। आपका रिजल्ट अभी मार्क्स वेटिंग में है, कुछ सब्जेक्ट के आपके नंबर नहीं चढ़े हैं और रिजल्ट आने के कुछ दिन बाद रिजल्ट फिर से अपडेट होता है, जिसमें ठीक हो जाता है या कोई प्रैक्टिकल के नंबर या कोई सब्जेक्ट के नंबर आपकी यूनिवर्सिटी को नहीं पहुंचे, इसलिए वो नहीं चढ़ पाए हैं। रिजल्ट खुल नहीं रहा है, रिजल्ट नहीं खुल रहा है उन स्टूडेंट का क्या है, क्योंकि उनके कॉलेज ने अभी यूनिवर्सिटी को फ़ीस नहीं दी है, इसलिए उनका रिजल्ट खुल नहीं रहा है। जो बहुत कॉलेजों के साथ है, उनके समय से फ़ीस नहीं जाती है, तो उनका रिजल्ट यूनिवर्सिटी रोक के रखती है, कुछ दिन उनकी फ़ीस पहुँचने के बाद फिर से खुल जाता है। और बाकी के कोर्स का रिजल्ट कब आएगा? कुछ ही दिन में रिजल्ट आ जाएगा, इसी मंथ में सारे कोर्सों के रिजल्ट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि अब यूनिवर्सिटी ने धीरे धीरे काफ़ी कोर्सों के रिजल्ट जारी कर दिए हैं, वो धीरे धीरे आ जाएंगे। आपको रिजल्ट कैसे चेक करना है, इसकी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। और कोई भी PDF लिंक या न्यूज़पेपर की कटिंग के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप में आ सकते हैं और हमसे बात करने के लिए इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं। आप वहाँ से हम कभी भी बात कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं। आपको गूगल या क्रोम में आगरा यूनिवर्सिटी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, डॉक्टर BRU कुछ भी आप डाल के सर्च कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा नीचे आना है, जहां आपको रिजल्ट की लिंक मिल जाएगी और अंदर से भी देख सकते हैं, पर लेकिन वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस रहेगा। आपको सीधे नीचे आना है, यहाँ लिखा हुआ है डॉक्टर BRU रिजल्ट, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, रिजल्ट की टेबल खुल जाएगी। यहाँ देख सकते हैं मेन एग्ज़ाम, सेमेस्टर एग्ज़ाम, मेडिकल एग्ज़ाम और रिजल्ट। हमें देखना है मेन एग्ज़ाम के, 21-22 हमारा सेशन है, इस पर क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं लिस्ट खुलाई है, किन किन कोर्सों के रिजल्ट जारी हो गए हैं। यहाँ देख सकते हैं आप MSc का रिजल्ट आ चुका है 21 तारीख को, कल शाम को रिजल्ट आ गया है। उसके बाद यहाँ BA फाइनल ईयर का, BSc फाइनल ईयर का, MCom प्रीवियस का और फाइनल ईयर का, BCom फाइनल ईयर का, फर्स्ट पार्ट का भी आ गया है। तो ऐसे ही काफ़ी कोर्सों के आ गए हैं। यहाँ आपको अपना रोल नंबर डालना है और कैप्चर कोड डालना है। अगर आप कैप्चर कोड नहीं डालते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट सबमिट कर दें रोल नंबर डाल के, आपका रिजल्ट ओपन हो जाएगा। अगर आपके रिजल्ट में MW आता है तो आपके मार्क्स वेटिंग में है, आपको कुछ दिन वेट करना होगा, जिससे रिजल्ट अपडेट हो जाएगा और आपके मार्क्स ठीक हो जाएंगे। अगर नहीं होते हैं तो आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी के माध्यम से ठीक करवाने होंगे। और जिन स्टूडेंट का नहीं खुल रहा है रिजल्ट, उनके ये है कि प्राइवेट कॉलेज के ज़्यादातर रिजल्ट रोक दिए गए हैं, क्योंकि उनकी फ़ीस यूनिवर्सिटी को नहीं पहुंची है। यूनिवर्सिटी लगातार इस पर प्रयास कर रही है कि समय से उनकी फ़ीस पहुंच जाए, तो उनके समय से रिजल्ट आ जाए, तो उनके रिजल्ट थोड़े से लेट हो जाते हैं। पर यूनिवर्सिटी पर डिपेंड रहता है वो कितना लेट करते हैं रिजल्ट को, तो इसलिए वो दूसरे कोर्सों में एडमिशन नहीं ले पाते हैं और समस्याएँ आती हैं। और जल्दी से जल्दी आप वेब रजिस्ट्रेशन करा लें, वेब रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। जो PG में एडमिशन लेना चाहते हैं, ज़्यादातर ग्रेजुएशन के रिजल्ट आ गए हैं, और जो PG करना चाहते हैं वो अपना वेब रजिस्ट्रेशन करा लें। जिस कॉलेज में एडमिशन चाहिए वहाँ एडमिशन ले सकते हैं। ज़्यादातर गवर्नमेंट कॉलेजों में UG के कोर्स बंद हो गए हैं, क्योंकि उनकी मेरिट लिस्ट जारी हो गई हैं, कुछ की आने ही वाली हैं। तो अब आपको ही प्राइवेट कॉलेज में ही UG के लिए एडमिशन मिलेगा, ना कि गवर्नमेंट कॉलेज में। हमारी वीडियो अगर में कोई दिक्कत होती है तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से, और अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।